नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। जगदलपुर शहर के नगर पालिक निगम में कांग्रेस का एक घंटे का धरना प्रदर्शन कर निगम आयुक्त के नाम जगदलपुर तहसीलदार को पानी की समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें मौसम विभाग की सूचना के बाद आपदा से निपटने के प्रयास नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए शहर में पानी की समस्या की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही शहर के चार वार्डों छत्रपति शिवाजी वार्ड, राजेंद्र नगर वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड, गुरु गोविंद सिंह वार्ड में पानी की समस्या को लेकर आज निगम कार्यालय में मिट्टी के बर्तन को लाकर विरोध कर प्रदर्शन किया और खाली मिट्टी के बर्तन को निगम में ही तोड़ा गया और विरोध जताए। नगर निगम में और निगम प्रशासन पर अव्यवस्था का आरोप भी लगाया गया। भाजपा महापौर और निगम प्रशासन की विफलता पर भी कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारे लगाए। साथ ही पानी ना दे सके वो सरकार निकम्मी है के नारे भी नगर निगम में खूब गूंजे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अन्य नेताओं ने बताया कि जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, निगम प्रशासन सुनने तक को तैयार नहीं है, जलदाय विभाग द्वारा समय रहते कोई कार्य नहीं किए गए, आम जनता पानी के लिए तरस रही है। कांग्रेस ने पानी की समस्या शीघ्र हल नहीं किए जाने पर रोष जताते हुए बड़ी आंदोलन की भी चेतावनी दी है। साफ कहूँ, अब तो यह स्पष्ट है महापौर भ्रष्ट है और वो साबित कर रही है और वो जन चौपाल और ये सब लगा के भी वो सोच रही है कि मैं सभी की समस्याओं को समाधान दो घंटे के भीतर कर दूंगी, यह मुमकिन नहीं है। पानी जैसी समस्याओं के लिए जनता को हमको जूझना पड़ रहा है। आज आपको पता है बारिश का मौसम है, बरसात का पानी नालियों से जाता नहीं और नलों में पानी आता नहीं, पेयजल से जैसी समस्या के लिए हमको जूझना पड़ रहा है, वार्ड वासियों को लड़ना पड़ रहा है। आपको पता ही है डेंगू जैसी गंभीर बीमारी, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी पनप रही है। हमारे लोग बारिश में नहा तो लिए लेकिन पीने का पानी उनके पास नहीं है, गंदा पानी पी के वो बीमार पड़ गए हैं, डेंगू जैसी और डायरिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। आप जाके देखिए वहाँ पे शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग वाले ने पूरी वहाँ पे निकाला हुआ है कि वहाँ पे कितने लोग वहाँ पे बीमार हुए हैं। ये गलत है, ये पानी की समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पानी नहीं आ रहा है और न पीने का पानी है, न कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये महापौर वार्डों में जन समस्या का निवारण कर रही है, जिस वार्ड में पानी का समस्या है उस वार्ड का समस्या का निवारण नहीं करके जहाँ जहाँ पर निवारण करना चाहिए वहाँ पर कर नहीं पा रही है। ऐसे महापौर और ऐसे आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया गया है और दो तीन दिन के अंदर काम नहीं कर पाती है, तो हम लोग आने वाला समय में हमारे पार्षद दल के साथ हमारे पार्टी के साथ बात करके फिर से आंदोलन करेंगे। ये हमारी कितने वार्ड में दिक्कत है, कौन कौन? चार वार्ड में है, छत्रपति वार्ड है, राजेंद्र नगर वार्ड है और शिवाजी वार्ड है, गुरु गोविंद वार्ड है, चार वार्ड है जिसमें पानी का, महाराणा प्रताप भी है जिसमें पानी का बहुत समस्या है। कौन से वार्ड में? जी, चार वार्ड में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है, लोगों को पीने का पानी मिल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है और दो महीना से बहुत दिक्कत जा रहा है, बरसात में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारी महापौर जल समस्या निवारण लगा रही है, जहाँ पर लगाना चाहिए वहाँ लगाती नहीं है, जिस वार्ड में समस्या नहीं उस वार्ड में जबरदस्ती जाती है, तो ऐसे महापौर को तो तत्काल हटा देना चाहिए। ये कोई महापौर काम करने योग्य नहीं है, हमारे कमिश्नर का भी यही स्थिति है जो काम करने लायक नहीं है। देखिए, कांग्रेसियों के पास पहली बात तो कोई काम है नहीं, खाली वो जो धरना प्रदर्शन आंदोलन सिर्फ वो मीडिया के सामने हाईलाइट होना चाह रहे हैं। रहा सवाल अगर पानी की समस्या का है, तो कल उस वार्ड से मेरे पास फ़ोन भी आया था, मैंने उचित जो संबंधित है विभाग से बात भी किया था और उसके बाद आज मतलब हमारे यहाँ की जो PHE सभापति है भारती श्रीवास्तव के द्वारा बात भी किया गया, जहाँ से मेरे पास शिकायत आया तो बोले नहीं पानी आया है, तो जहाँ से हमारे पास शिकायत आ रहा है हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हम उनसे लाइनअप करके बात भी कर रहे हैं और शिकायत आएगा तभी हमको समस्या की जानकारी होगी और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा वहाँ पर इसे पूर्व में। देखिए, मेरे कार्यकाल से पहले भी वो PHE के सभापति रहे हैं और अभी 4.5 साल तक मेरे कार्यकाल में भी रहे हैं और मुझे लगता है कि कभी उन्होंने कोई प्रश्न ही नहीं किया है PHE के मामले में, या कभी यहाँ तक कि आप लोग जैसे अभी मैं जैसे मॉर्निंग में विजिट में जाती हूँ तो उस समय सिर्फ खाली मेरे साथ लोक निर्माण विभाग के सभापति हुआ करते थे, अब कोई विभाग के सभापति मेरे साथ नहीं आते थे क्योंकि उनके पास समय नहीं था। अभी आप देखिए नई टीम के साथ मैं जो काम कर रही हूँ, सभी विभाग के सभापति मेरे साथ रहते हैं, सभी अपना समय दे रहे हैं, जो उनके कार्यकाल में जो खुद
नहीं कर पाए वो दूसरे के ऊपर क्या उंगली उठा रहे हैं। देखिए हमको मतलब कहना चाहिए कि जनता के बीच में जाने का मौका मिल रहा है। शासन के गाइडलाइन के हिसाब से भी 27 से 10 तारीख का जो हमारे पास आया है चार्ट के हमको उसमें कार्यक्रम करना है, पर उससे ही पूर्व हमने तैयारी कर ली थी और महापौर चौपाल के द्वारा हम वार्डों की समस्या को सुन रहे थे। और जैसे कि आप जो बता रहे हैं फिलहाल उसमें से कुछ वार्डों में हम लोगों ने चौपाल भी लगाया है, लेकिन ऐसे मामले सामने नहीं आए। जहाँ हम जा रहे हैं जहाँ पर हमको पीएचई से संबंधित हो, चाहे सफाई से हो, चाहे लाइट से संबंधित हो, हमारा पूरा प्रयास है कि त्वरित उसको निराकरण करें। लेकिन ऐसी बड़ी समस्या या इस टाइप की जो समस्या जिसके लिए आंदोलन करें, ऐसी समस्या हमारे चौपाल में भी नहीं आई। कांग्रेसियों का एक प्रदर्शन था और जो नेता प्रतिपक्ष पिछले 9.5 साल से मेरिन काउंसिल में इसी विभाग को देख रहे थे, जल कार्य को देख रहे थे, एक कहावत है बोए पेड़ बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। जो इन्होंने बोया आज उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। परंतु नगर निगम में जो सरकार नहीं आई है, प्रदेश में जो सरकार नहीं आई है, वो लगातार जन समस्या के प्रति गंभीर है और इसी कारण आप देख रहे हैं जगह जगह जनसंख्या जन समस्या निवारण शिविर चल रहे हैं। उसके तहत उस वार्ड में भी पानी की कुछ कमी हुई थी 3 दिन पहले, कल से ही वहाँ पानी प्रॉपर रूप से सुचारू हो गया। महाराणा प्रताप की वार्ड है, छत्रपति शिवाजी वार्ड की बात है, राजेश राय के वार्ड में कोई पानी की समस्या नहीं है, वहाँ पे अभी भी बोर भी हुआ है, लगातार बोर हो रहे हैं। छत्रपति शिवाजी वार्ड में भी, महाराणा प्रताप देव वार्ड में भी बोर किए जा रहे हैं, 2-3 बोर हुए हैं, उसमें से एक सफल हुआ है, बाकी सफल नहीं हुए हैं। लेकिन इस तरफ लगातार नगर निगम ध्यान दे रहा है। जहाँ तक सवाल है, अभी तक 25 दिन से एक कक्ष के लिए आंदोलन कर रहे थे पूर्व विधायक, जिनको उनकी पार्टी ने उनके क्रियाकलाप की वजह से टिकट से भी वंचित कर दिया, वो इन आंदोलनों में आते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं। काजे से कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ दिखावे की राजनीति के लिए आंदोलन ना करें, वास्तव में जो समस्या है, जन जो शिविर चल रहे हैं हमारे, वहाँ पे आएं, वहाँ पे अपना विरोध दर्ज करें, वहाँ पे जो शिकायत है, क्योंकि इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीर है, महापौर गंभीर हैं कि इनमें जो लोग आएंगे उनका जो समस्या उसका निराकरण शीघ्र हो। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।